गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 7 गणित की एक्सरसाइज 2 के बारे में बताएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है 62 पर 7 शून्य है को मानक रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है इनको? मानक रूप में। देखिए, यहाँ इसको मानक रूप में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे इसका। इसका हल होगा, देखिए, बासठ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप का ये अर्थ होता है कि जो दशमलव होगा इस एक पूर्णांक के बाद होगा, यहाँ होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर दशमलव इसका दिखाई नहीं दे रहा, तो आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। जैसे 5 को आप लिख सकते हैं 5.0, इसमें कोई अंतर है नहीं। तो यहाँ इसका दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है तो दशमलव लगा दीजिए यहाँ, ठीक। अब दशमलव आएगा यहाँ 6.2, इस एक पहले पूर्णांक के बाद आएगा, पूर्णांक के बाद आएगा। तो कोई अंक पीछे दशमलव आया, गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 पकाए घात 8, ये आंसर है। 6.2 × 10^8, ठीक है ना? तो 62 पर जो 7 शून्य है को मानक रूप यही होगा। सबसे पहले दशमलव नहीं है तो दशमलव बाद में लगा दो। दशमलव कहाँ आएगा? एक पूर्ण अंक के बाद। कई अंक पीछे आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। ऐसे करिए। ठीक है ना? दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए, 0.0008 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। को वैज्ञानिक संकेतन .0008 को किस रूप में लिखना है? वैज्ञानिक संकेतन। तो देखिए क्या लिखेंगे, 0.0008 इसका वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा? कि दशमलव कहाँ जाएगा? पूर्णांक के, पूर्णांक कौन होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। तो दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ। तो गिनिए कई अंक आगे जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 अंक के बाद। तो 8.0×10^5। तीसरा प्रश्न क्या है, देखो, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से 460 करोड़ वर्ष पहले हुई। इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, 460 करोड़, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे 460 करोड़, क्या लिखेंगे? 60 करोड़ लिखिए, इकाई, यहाँ से गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। 460 करोड़ का मतलब यही ना होगा, 100 करोड़। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। 460 करोड़ यानी 100 करोड़। तो दशमलव कहाँ इसका है? यहाँ है। तो दशमलव कहाँ ले आएंगे? यहाँ ले आएंगे, एक अंक के बाद ले आएंगे ना। कई अंक पीछे आएगा गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक के बाद आएगा, 4.6×10^9, ये आंसर है। 460 करोड़ को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। किसमें लिखना है? तो ये कहाँ आएगा? देखिए,
यहाँ आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक के बाद दशमलव है, पीछे है तो आप 4.6×10^9 लिख देंगे। कोई दिक्कत? देखिए चार नंबर क्या है इसका, चार नंबर क्या है, पृथ्वी से की सूर्य से दूरी। देखो पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितना है, देखिए 15/7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितना है, देख रहे हैं, इतना किलोमीटर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,00,000, 10,00,000, 1,00,000,000, 10 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। तो इसको मानक रूप में लिखना है, तो दशमलव कहाँ लगाओगे, पहले कहीं दशमलव दिखाई दे रहा है तो दशमलव आप यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत? तो दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ, गिनो कई अंक पीछे हो रहा है वहाँ से, आठ, तो 10/8 कर दीजिए, 10/8 किलो, कोई परेशानी बाबू, कर लेंगे आप लोग मानक रूप। जब दशमलव पीछे बढ़ेगा तो घात धनात्मक होगी, जब दशमलव आगे बढ़ेगा तो घात ऋणात्मक होगी, ठीक ना? देखो जो दूसरा प्रश्न था, थोड़ा देखो दूसरा प्रश्न फिर से देख लें, थोड़ा उसमें मिस हो गया है। क्या है दूसरा का प्रश्न, ये था कि 0.00008, देख रहे हैं ना, को वैज्ञानिक संकेतन में क्या लिखना है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में यही लिखना है ना। तो देखो कैसे वैज्ञानिक संकेतन लिखेंगे, दशमलव कौन अंक आगे जाएगा, यहाँ आएगा ना, 1, 2, 3, 4, 5 अंक के बाद, तो 8.05 अंक आगे बढ़ेगा ना, तो जब आगे बढ़ेगा तो घात नेगेटिव होगी, तो हम उसमें घात नेगेटिव लिखे थे कि पॉजिटिव लिखे थे पता नहीं है, ये आंसर सही होगा इसका, शायद हम लोग धन लिखे दिए थे पहले प्रश्न में, प्रश्न ये सही होगा, दशमलव आगे बढ़ेगा तो घात क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक ना। हाँ ऐसे कर लीजिएगा उसमें। देखो अब है पांचवा सवाल, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 5.98×10^22 क्विंटल है, ठीक ना। क्विंटल है, साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य होंगे, 598 के आगे शून्यों की संख्या, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, 598 के आगे शून्यों की संख्या कितना होगी, तो ये बता दो हमको। देखो कई अंक पर दशमलव है, 2 अंक है, अगर दशमलव हटाएंगे तो 2 सुनना यहाँ से कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 10/20, 10/ कितना, 20, शून्यों की संख्या 20, शून्यों की संख्या कितना होगी, 20 होगी, ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे। पृथ्वी का निर्माण 5.98×10^22 है, 2 अंक पर दशमलव, तो 2 खत्म हो जाएगा, तो 598 के आगे शून्यों की संख्या कितना बचेगी, 10/20 है ना बचेगी, यानी कितने बचेगी, 20 बचेगी, ठीक ना। अब आगे देखा जाए प्रश्न संख्या 6 का पहला, 425/40
40, ठीक ना, 425 पर कितना है 40, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 10 की घात के रूप में लिखना है, किस रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, दशमलव खोजेंगे पहले यहाँ, अब क्या लिखेंगे यहाँ बोलिए, यहाँ आएगा ना, गिने का अंक 4.25 गुणते 10 पर घाते का अंक पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट होगा ना। अब है 2,20,00,000, 2,20,00,000, 2,20,00,000 करेगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000,00,000, 10,00,000, 1,00,000, तो 2,20,00,000, दशमलव कहाँ है इसका, यहाँ, क्या लिखोगे, दशमलव कहाँ आएगा, 2.2, कै अंक पीछे आ गया, 10%, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब है तीसरा नंबर सवाल, 0.00045, देख रहे हैं, 0.00045, देखो इसको कैसे लिखोगे, दशमलव कहाँ जाएगा इसका, आ क्या यहाँ आएगा ना, तो कैंक कैंक के यहाँ आने में कैंक हो रहा है, गिनिए 5, तो जो दशमलव आगे बढ़ेगा 5 अंक आगे बढ़ा तो घात निगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह आप इसमें का एक और सवाल है अपने से करेंगे, 0.0025, यहाँ देखो 0.0025, दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा ना, कै अंक आगे जाएगा, 3 अंक ना, तो 10%, ये आंसर है, ठीक ना। शेष अब अगले वीडियो में कल पढ़ेंगे।